हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। आज की एक छोटा सा वीडियो लेके आप लोगों के सामने आया है। आज की मेरा वीडियो है हाउ टू इनेबल कम्युनिटी टैब एंड लाइव स्ट्रीम। आप लाइव स्ट्रीम ओपन करना चाहते हैं आपका यूट्यूब चैनल पे, तो आपको लाजमी 1000 सब्सक्राइबर पूरा होना चाहिए। जैसे आप 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो जाएगा, आपका लाइव स्ट्रीम ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। कुछ चैनल को प्रॉब्लम होती है, जैसे 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन ओवर हो गया, नहीं हो रहा है, तो इनको मैन्युअली करना पड़ता है। तो आज आपको वो सिस्टम बताऊंगा, मैन्युअली आप कर सकते हैं। हाँ, दूसरी बात, आप कुछ आदमी लोग बोलेगा जी नहीं भाई, आप तो 0 सब्सक्राइब में भी लाइव स्ट्रीम कर सकते हो। हाँ, 100% सही है, आप 0 सब्सक्राइब पे भी लाइव स्ट्रीम कर सकते हो, लेकिन वो लीगल तरीका नहीं है। वो आपको करने के लिए दूसरी कोई एप्लीकेशन का सहारा लेना पड़ेगा, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन लेगा, तब उसमें आप कर सकते हो, लेकिन वो लीगल तरीका नहीं है। मैं पहले ही बता रहा हूँ, आपको लीगल तरीके से आना है तो कम से कम 1000 सब्सक्राइबर आप में होना चाहिए। और कम्युनिटी टैब जो है, इसको भी इनेबल करने के लिए आपको 1000 सब्सक्राइबर होना ही चाहिए। 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद आपको ऑटोमेटिकली ओपन कर दिया जाता है। अगर नहीं होता है, एक हफ्ता तक अगर ऑटोमेटिकली नहीं होता है, तो आपको रैंडमली इसको जाना, आपको मैन्युअली इसको मैसेज भेजना पड़ेगा, तब वो लोग इसको ओपन कर देगा। तो वो तरीका आज हम लोग आपको बताने वाला है। तो आगे जाने से पहले भाई का नाम भी जान लीजिए। मेरा नाम हसन है और आप देख रहे हैं MRS Tech यूट्यूब चैनल। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, इनको बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन लोगों ने नहीं किया अभी कर दीजिए, ताकि आगे भी आपको आपको इस तरह की वीडियो मिलते रहेगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, देखते हैं इसको कैसे हम मैन्युअली इनेबल कर सकते हैं। तो हम लोग आ गया मोबाइल की स्क्रीन पर, अभी हम चलते हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब पर जाने के बाद अब अपने चैनल में चला जाना है। जैसे चैनल में चला जाएगा, आप देखें इधर कम्युनिटी टैब ओपन हो चुका है। इसमें फ़ायदा क्या है, इसमें आप क्लिक करें तो देखिए आपने अपना कोई भी पोस्ट, फोटो, या तो अपना वीडियो, या अपना दोस्त का किसी का वीडियो, या तो किसी ऑडियंस के साथ अपने जो है ना वोटिंग कर सकता है, ये सारा इसमें पोस्टिंग कर सकता है। इसको चालू करने के लिए, ये अभी थोड़ी दिन पहले मैंने अपना इनेबल किया हुआ है, तो इसको कैसे करना है तो चलिए हम इसको करके देखते हैं, ठीक है। चलिए तो दोस्तों, हम ऐसा करते हैं, इसमें तो ऑलरेडी चालू हो गया, मेरा दूसरी चैनल है उसमें चला जाता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, मैं मेरा दूसरी चैनल में आया हुआ है और इसमें सिर्फ 555 का सब्सक्राइबर है। इसमें तो ओपन होगा नहीं, देखिए इसमें ओपन नहीं है। तो हम इसको क्या करेगा, मैं आपको सिर्फ तरीका बताऊंगा कैसे आपको इस मैन्युअली आपने जो है ना इसको मैसेज कैसे भेजनी है। देखिए सबसे पहले आप इधर इस आपका फेज में आ जाएगा, तो आप देखिए 3 डॉट नज़र आ रहे हैं ऊपर, इसमें क्लिक करें, आपका शेयर बटन में क्लिक करें, तो आपका जो चैनल का URL है इसको आपको कॉपी कर लेनी है। जैसे कॉपी कर लिया, फिर से दोबारा इसको क्लिक करें, करने के बाद सबसे नीचे देखें हेल्प एंड फीडबैक, आप हेल्प एंड फीडबैक्स में क्लिक करेगा तो आपके पास एक इंटरफेस इधर ओपन हो जाएगा। देखें इधर जब ओपन हो जाएगा, तो आप इसमें नीचे देखें सेंड फीडबैक, आप इसमें क्लिक कर दोगे। जैसे इसमें क्लिक करेगा तो आपके पास ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जिस ईमेल से आपने खुला हुआ है चैनल, हो सकता है इसमें और ईमेल आ जाए, आपने चेंज करके अपना ईमेल लगा लेनी है। और नीचे देखिए शॉर्ट स्क्रीनशॉट भी आ गया आपका चैनल का, पेज का, ये आपका टिक ही होना चाहिए जैसे अभी है। तो अब इसमें इसे लिखने के है, अब इसमें लिखेगा डियर यूट्यूब टीम, नीचे आएगा लिखेगा आई हैव कॉम्प्लीट 1K सब्सक्राइबर ऑन माई यूट्यूब चैनल। उसके बाद लिखेगा बट आई डोंट इनेबल community tab
एंड लाइव स्ट्रीम। दोस्तों मैं इसमें सिर्फ कम्युनिटी गाइड के नहीं लाइव स्ट्रीम के लिए भी इसने लिख दिया, तो इसका मतलब ये है एक ही मैसेज में आपका दो काम हो जाएगा। सो प्लीज इनेबल माय कम्युनिटी टैब एंड लाइव स्ट्रीम। As soon as possible. Thank you. उसके बाद आप नीचे आ जाएगा, नीचे आने के बाद आपको my channel URL टाइप करके आपने उधर से जो कॉपी करके लिया था my channel URL आपने इसमें डाल देनी है। उसके बाद नीचे आ जाएगा आपका नाम लिख देने का, अपना नाम बोले तो आपका चैनल का नाम लिखना है, अपना नाम लिखने का इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मेरा चैनल का नाम है, जो भी आपका जो चैनल का नाम होगा, देखिए आपका इसमें आपका चैनल का नाम लिखना है। इधर आपका काम ये हो चुका है, इसको कॉपी करके मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उधर से कॉपी करके सीधा इसमें ठोक दीजिए। सिर्फ आपका जो चैनल का यूआरएल आप अपना दिए और अपना नाम जो है चैनल का वो अपना दिए, बाकी ये कॉपी करके उधर डाल देने का, ठीक है। ऐसा करने के बाद आपको सीधा करना क्या, उस ऊपर देख राइट में कॉर्नर में ऊपर सेंड का निशान नज़र आ रहा है, आप इसमें क्लिक कर देगा। जैसे आप इसमें क्लिक कर देगा तो आपको देखिए थैंक यू फॉर फीडबैक, इधर आपका काम ख़त्म हो चुका है। अभी दोस्तों क्या है, आपने मैसेज भेज दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि अभी की अभी ये चालू हो जाएगा, नहीं दोस्तों अभी की अभी चालू नहीं होगा, इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। वेट कितना देर करना पड़ेगा, हो सकता है आपको 24 घंटा में ओपन हो जाए, हो सकता है 48 घंटा, 72 आवर्स तक लग सकता है इसमें। अगर 72 आवर के अंदर अंदर अगर नहीं आई तो आपने क्या करनी है, दोबारा सेम प्रोसेस में जाके दोबारा एक मेल सेंड करना है। तो इंशाल्लाह दोबारा जब सेंड करोगे तो आपका काम हो जाएगा इंशाल्लाह। ओके जी दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहाँ तक ही है, फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो पे इंशाल्लाह।